अभी सरफराज को हम मैंने उसको बैटिंग करते हुए उतना नहीं देखा है, बट जितने भी लोगों से सुना है, बॉम्बे के जितने भी प्लेयर्स है सरफराज के बारे में सुना है, उसने काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाके रन बनाया है मुंबई के लिए, तो उससे पता चलता है कि किस तरीके के माइंडसेट से वो खेलते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं गेम को, और बड़े बड़े रन्स बनाए उन्होंने, 70, 80, 100, 120 नहीं 300 बनाया, डबल 100 बनाया, तो रन करने की भूख है उनमें, यू नो, और इतने साल से, अभी 4-5 साल से कंटिन्यूसली डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना रहे, तो कुछ तो अच्छा कर रही है इसीलिए इतना कंसिस्टेंटली रन बना रहे। और यहाँ पर भी हमने कुछ प्लान या कुछ उसके साथ डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता है कि उसको खुला अगर आप छोड़ोगे तो वो जाके काम कर देगा आपका, जो मैंने सुना है अपने बॉम्बे वाले प्लेयरों से जो उसके साथ खेले। तो डेब्यू जब भी कोई करता है नर्वसनेस रहता है, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो नर्वस थे। सुबह सुबह जब कैप प्रेजेंटेशन हुआ तभी काफ़ी इमोशनल लगे, बट उसके बाद जैसे ही मैच शुरू हुआ बिल्कुल गेम के अंदर थे, गेम में डिफरेंस लाना चाहते थे अपने बैट से, अपने फील्डिंग से, अपने एनर्जी से, वो सब चीज़ के लिए वो जाने जाते, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर उनकी परफॉर्मेंस।